फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में बड़ा हादसा। ओवर स्पीड स्कॉर्पियो का राजीव अंडरपास में बैलेंस खराब होने से पलटी। स्कॉर्पियो में 3 महिला सहित 5 लोग थे सवार। राहगीरों ने स्कॉर्पियो में सवार महिलाओं को निकाला। 2 युवकों की हालत गंभीर। सोहना की ओर जाने वाले साइड पर स्कॉर्पियो कार पलटी। दुर्घटना में बाइक भी आई चपेट में, बाइक सवार भी घायल। हमने कॉल मिली तभी तुरंत 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे और अंडरपास की खबर लगी और मौके पर आए थे। वो कितने लोग थे गाड़ी में सवार थे? गाड़ी में 5 थे, तो लड़की थी 3 में और बाइक पे 2 वहाँ के चोट है, गाड़ी वाला जो और बाइक वाला जो ज्यादा थे। क्या चोट है? हाँ सीरियस है। सीरियस है? ये गाड़ी जो है वहाँ से पलट गई। क्या रीजन रहा, क्या कहा डिवाइडर को क्रॉस करके तब इस गाड़ी को टूटी है। इसके अंदर 5 लोग थे टोटल, 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। 2 लड़कियां उसको तो चोट नहीं लगी, एक जो आपके ड्राइविंग कर रखा था उसके चोट आई है काफी, तो उनके जो साथ वाले बंदे थे वो उसको लेके चले गए दोनों को, और ये जो बाइक में चल गए थे उनकी बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। ये 15 मिनट पीछे दोबारा एम्बुलेंस में, फिर अभी हमने यहाँ पे डलवा के जब इनको भेजा। देखो गाड़ी डिवाइडर के आगे क्रॉस होना और ओवर स्पीड का तो मतलब ही नहीं बनता इंटरनल पास में, तो बेसिक सी बात है या तो खराब होना चाहिए रखी होगी जो भी है, और जो भी था तो उनको कुछ चेक होने के बाद में पता पड़ेगा। अभी हॉस्पिटल में तो उनके पता होगा कितने एक चोटें लग रही होंगी। अकेले इंसान की, अकेला था जो अपनी ड्राइविंग कर रखा था उसके चोट लगी है, अपने सर काफी फटा हुआ, उसका ब्लड भी फैला हुआ है। बाइक वाले की हालत कैसी है? बाइक वाले की हालत तो पूरा डैमेज है, हाथ पैर दोनों चले गए अपने, और यहाँ से भी और यहाँ पे पड़े होगा, मतलब उसके साथ लगे नहीं रखा था, हिल नहीं रहा था। वो तो चेक किया, उसकी धड़कन चेक की थी, सब लगा, उसमें थोड़ा बहुत संजान है, तब जाके पता चला था। ओके,